Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video of Lahore Smart City. This video is our basically vlog number 2, Walking Tales. अब इस वीडियो में आपको वॉक करके जितने रोड पर डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से जितनी डिटेल चीज़ें हो सकती हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। ये जिस रोड के मैं एंड पे खड़ा हूँ, ये रोड बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है विद द मेन ग्रैंड ट्रंक रोड, और यहाँ पे आगे जाके अंडरपास अप्रूव हुआ है लेकिन उस पर भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ नहीं हुआ। लेटर स्टेज में जब उस पर काम का आगाज़ होगा तो इंशाल्लाह मैं उस हवाले से भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग इस पर भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ नहीं हुआ। फॉर द टाइम बीइंग जो रोड अभी कम्प्लीट हुआ है वो इस पार्ट में, अब ये साइड देखें तो ये साइड थोड़ी सी कम्प्लीट हुई है और इस साइड में प्लांटेशन वगैरह और कुछ चीज़ें कंप्लीट कर दी गई हैं। अगर इसकी मैं टोटल लेंथ की बात करूँ इस रोड की, तकरीबन 300 मीटर लेंथ है और इस साइड पे 3 लेन रोड है, 180 फीट रोड और 7 सर्विस रोड है, जिसके साथ यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे पार्क होगा मैप में जो दिखाया जा रहा है सेक्टर में, और उसकी बैक साइड पे मेन कमर्शियल्स होंगे। शुरू में मेन कमर्शियल्स होंगे, उनकी बैक पे पार्क होगा और फिर 8 मरला कमर्शियल्स होंगे जहाँ पे जो हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं डीलर ब्रादरी के, उनको ऑफिस के लिए प्लॉट एलोकेट होंगे जब यहाँ पे ऑफिस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लॉर्ड स्मार्ट सिटी जो मोस्ट नीडेड चीज़ है वो ये है कि साइड पर भी ऑफिस मौजूद नहीं है, तो साइड पर ऑफिस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे प्लॉट्स एलोकेट किए जाएंगे, लोकेशन एलोकेट की जाएंगी। जिन्होंने प्लॉट्स बाय कर रखे होंगे तो उनको लोकेशन एलोकेट हो जाएंगी। अब इस रोड की अगर बात करें तो इस रोड की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है क्योंकि इस रोड के अलावा कोई और डायरेक्ट एक्सेस लाहौर स्मार्ट सिटी को अवेलेबल नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग हम जब मार्केटिंग करते हैं तो हम बताते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की एक्सेस जो है ईस्टर्न बाईपास से इस साइड से भी है मास्टर प्लान के मुताबिक, और इसी रोड के दूसरे एंड पर जाके M14 लाहौर सियालकोट मोटरवे है वहाँ से भी है। फॉर द टाइम बीइंग एक वाहिद एक्सेस जो पॉसिबल हो सकती है या जिसके चांसेस बनते हैं कि वो जल्दी ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगी वो एक्सेस होगी ये वाली एक्सेस, और इस एक्सेस पे मेन ग्रैंड ट्रंक रोड से अंडरपास बनेगा जिसका अप्रूवल हो चुका है और जिस पे मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो जाएगा। जब ये कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे लाहौर में जिन्होंने प्लॉट्स बाय कर रखे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जा रहे हैं मार्केट में लेकिन उसका बेनिफिट जो मज़ीद डबल हो जाएगा। इस रोड के लेफ्ट साइड भी सेक्टर है जहाँ पर कुछ आपको कैंप्स नज़र आ रहे हैं, ये कुछ कैंप्स हैं, ये जो अपने स्टाफ के लिए कैंप्स होते हैं, और इसकी बैक साइड पर जो 5 मरला की कटिंग्स हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे। एंड अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड पे 10 मरला के प्लॉट्स और 10 मरला के प्लॉट के साथ 1 कनाल कटिंग्स मौजूद हैं और कुछ 4 मरला 8 मरला कमर्शियल्स भी हैं। ये सेक्टर है, इस सेक्टर को भी डिफाइन नहीं किया गया जिसमें वाटर टैंक बन रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये सेक्टर ओवरसीज़ का होगा क्योंकि ओवरसीज़ की लोकेशन स्टार्ट में आती है एज़ पर द मास्टर प्लान, लेकिन मास्टर प्लान चूँकि इस्लामाबाद का भी 2-3 दफ़ा रिवाइज़ हुआ है यहाँ के भी रिवाइज़ होने के इक्वल चांसेस हैं। यह आगे एक जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट से C1 रोड, इस रोड का नाम C1 रोड है और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है विद द मेन ईस्टर्न बाईपास, और यहाँ से कनेक्टिविटी ईस्टर्न बाईपास की तरफ से होगी। जब भी लाहौर स्मार्ट सिटी का ईस्टर्न बाईपास पे कोई भी एक्सेस रोड बनेगा तो वो एक्सेस रोड की सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि वो यहाँ से बनेगा इस पॉइंट से। और इस साइड पे आपको ये कुछ बजरी के टेलर नज़र आ रहे हैं और कुछ मशीनरी अभी मूव करती हुई नज़र आ रही है, कुछ काम करती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये बैक साइड पे ये सारा सेक्टर बी है जहाँ पे 5 मरला कटिंग्स हैं और कुछ कॉर्नर प्लॉट वहाँ पे 7 मरला होंगे, बाकी सब के सब प्लॉट 5 मरला के होंगे। ये इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट है, ये जिस रोड का मैं बेसिकली वॉकिंग टेल व्लॉग 2 बना रहा हूँ ये यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है। इससे आगे कच्चा रास्ता है जिसका मैं बाद में सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो अगर आप जीटी रोड से करंट डेट में एक्सेस लेते हैं तो फॉर द टाइमिंग आपको वाइज एक्सेस इस जगह से मिलती है और कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। जब ये रास्ता रोड कंप्लीट होगा इस साइड से तो उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सेस पॉइंट बन जाएगा, फॉर द टाइमिंग यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर एक्सेस पॉइंट नहीं है। सो व्यूअर्स दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।